चौधरपुर मलकद्दा निवासी महिला ने लगाया मंझोला पुलिस पर लापरवाही का आरोप। लूटपाट और जान से मारने की घटना को लेकर की थी शिकायत। दो आरोपियों को अभी तक नहीं किया गया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र मलकद्दा गांव निवासी शाहिना परवीन ने मंझोला पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि बीते लगभग एक महीना पूर्व उनके घर में उन्हीं के पति और नंदोई ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनको बंधक बनाकर मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके कारण उनके सर में काफी चोटें आई थी। पीड़िता शाहिना परवीन ने बताया कि मेरा पति शादी के बाद से मुझे आए दिन परेशान करता रहा और मेरी जायदाद की खातिर मुझे जान से मारने की फिराक में रहता था। पीड़िता ने बताया कि 19 तारीख की रात को उन्हीं के पति और नंदोई ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे बंधक बनाकर और मेरे सर पर हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके कारण मेरे सर में काफ़ी चोटें आई थी, जिसकी मैंने अपने पति और नंदोई सहित अन्य उनके साथियों के खिलाफ थाना मंझोला पुलिस को एक शिकायती पत्र भी सौंपा था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर मेरे पति और कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन घटना में मुख्य रूप से शामिल रहे दो लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पीड़िता ने बताया कि अभी कुछ दिन से ही उनको उनका नंदोई और उसका एक साथी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसको लेकर पीड़िता ने मंझोला पुलिस को एक शिकायती पत्र भी सौंपा, लेकिन अभी तक उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसको लेकर पीड़िता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तो वहीं पीड़िता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई है। अपने साथ हुई इस घटना की वारदात की जानकारी देते हुए पीड़िता शाहिना परवीन ने पत्रकारों को बताया। क्या नाम आपका? मेरा नाम शाहिदा परवीन है। कौन सा मोहल्ला है ये? गांव चौधरपुर मलकद्दा लगता है। क्या बात है, क्या हुआ? ये 19 तारीख में की रात को मैं सो रही थी और लगभग 1:30 बजे के टाइम पे मतलब चार लोग मेरे घर में घुसकर आए और मेरी बेटियों को और मुझे बंधक बनाकर और फिर बच्चों को भी बांध दिया, मुझे ही बांध दिया। और बांधने के बाद में मतलब मेरे पैर बांध दिए थे, पैर खोलने के बाद मुझसे कहने लगे कि सामान कहाँ पर रखा हुआ है। कौन पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था? नंदोई थे और हस्बैंड थे और उनके साथ में दो और थे अंदर और दो लोग दो या और शायद तीन बाहर खड़े हुए थे। तो मतलब किसकी किसका सेटिंग था, किसने किसने काम कर रहा था? हस्बैंड और नंदोई मैन है। हस्बैंड ने नंदोई ने मिलके नंदोई की फैक्ट्री है पंडित नंगला में, वहाँ पे बैठ के दीपावली की छुट्टियों में उसने हस्बैंड ने जो है मतलब ये साजिश रची और अपने चार दोस्तों को इकट्ठा करके और तब मतलब पूरी प्लानिंग बताई कि इस तरह से तुम्हें मतलब मेरे घर में घटना करनी है और रास्ता भी दिखाया और इस खिड़की से बताया उन्होंने कि इस खिड़की से जो है अंदर जाना है। एक लड़का उसमें पतला सा था, वो खिड़की के मतलब ये खिड़की खुली हुई थी, इसकी चटकनी नहीं लगी हुई थी। जी हस्बैंड ने कराया है, वो काफ़ी टाइम से मुझे मरवाना चाहते हैं, मतलब पहले से ही परेशान करते आ रहे हैं मुझे। 16 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, तो तब से ही मुझे परेशान करते हैं वो। क्या रीज़न है, ये परेशान करते हैं, क्या मामला है, बताने का? एक तो मेरी पॉलिसी है, मतलब 10 पॉलिसी करा रखी है, उसमें नॉमिनी है वो, जिसमें क्या डेथ बेनिफिट मतलब 10 लाख का है और 10 बीघे ज़मीन है वो मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम में, दोनों के नाम में है। और मतलब वैसे भी वो रेप के मतलब गलत हैं, करेक्टर जो है उनका ठीक नहीं है, लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं और एक बार रेप के केस में जेल भी जा चुके हैं। मेन मकसद है कि इसे मरवा के दूसरी शादी करना। तो मानती है क्या, पति ने आपके घर में लूट कैसे करा? जी पति ने करवाया था सारा काम। जी पति ने करवाया था। पुलिस ने क्या करा इसमें? कहाँ से शिकायत करी? मैंने थाना मंझोला में शिकायत करी थी। क्या कार्रवाई हुई थी पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से बस मतलब मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ में 5 लोगों को और गिरफ्तार किया। चार को आपकी जाती है, अब क्या है? अब मतलब दो और हैं जो वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, जो मेन है एक तो मेरा नंदोई है नसीम, पंडित नंगला, और दूसरा भी नदीम नाम का लड़का है, वो भी थाना कटघर का ही रहने वाला है। इस बीच में कोई आप पे हमला भी किया था? मतलब एक तो उसी टाइम पर हमला किया था। कहाँ चोट लगी थी? मेरे यहाँ पर चोट लगी थी सर में, 60। दिखा दे टोपा उतार के। ये लगी थी, ये इधर पेचकस मारा था।
चोट लगी थी, ये चोट लगी थी और यहाँ पे ये पेज नहीं हथौड़े मारे थे यहाँ पे, तो ये साठ टाके आए थे कि उसमें पुलिस ने लापरवाही दिखा के कुछ लोगों को भी जी 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 पहली बात तो पुलिस मतलब वो मुझे जान से मारने के लिए आए थे, लूट तो सिर्फ एक बहाना था, वो मुझे जान से मारने के लिए आए थे, लेकिन और पुलिस ने जो है मतलब उसके हिसाब से धाराएं नहीं लगाई हैं जो मेरे साथ में घटना हुई है, जितनी मेरे चोटें आई हैं और मतलब वो डकैती हुई है मेरे घर में, मतलब पाँच छः सात लोग थे वो टोटल मिला के जो बाहर और अंदर थे, तो मतलब ना ही डकैती की धाराएं लगी हैं और ना ही उसकी तो क्या मानते हैं किसकी लापरवाही है, मतलब पुलिस ये पुलिस की लापरवाही है, मतलब ये जमील दरोगा हैं जो कि इस पूरी घटना के विवेचक हैं, ये ढील दे रहे हैं। अभी दो मतलब दो तीन दिन पहले भी मैंने 112 नंबर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी, मेरा देवर और मेरी सास जो है मुझे परेशान कर रहे हैं, वो मेरा देवर भी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। किससे धमकी मिल रही है आपको? मेरा देवर धमकी दे रहा है छोटा वाला, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि तुझे जान से मार देंगे, और मतलब रात को मैंने यहाँ से खिड़की से देखा था, एक दिन वो रात को यहाँ पे खड़ा हुआ था ग्राउंड में बाहर, और धमकी दे रहा कि तुझे मतलब पहले भी हमारा जान से मारने का इरादा था और पहले तो तू बच गई थी और अब की बार तुझे बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे।